ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अक्षय तृतीय पर सोना खरीदारी का यह है शुभ मुहूर्त सभी छह शुभ योग और पूजा विधि तृतीय ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है ये बेहद शुभ अबूझ मुहूर्त है मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ आदि के फल का क्षय नहीं होता मान्यता है इस दिन शुभ के लिए खरीदारी करना चाहिए इससे उसमें वृद्धि होती है आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन पूजा की विधि क्या है सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है इसे तीज के नाम से भी जाना जाता है इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं इसलिए शुभ और धार्मिक कार्यों का फल अक्षय हो जाता है यानी फल खत्म नहीं होता मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में तरक्की मिलती है अक्षय तृतीया पर सोना खरीदारी का यह है शुभ मुहूर्त जाने सभी छह शुभ योग और पूजा विधि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है यह बेहद शुभ अबूझ मुहूर्त है मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ आदि के फल का क्षय नहीं होता मान्यता है इस दिन शुभ के लिए खरीदारी करना चाहिए इससे उसमें वृद्धि होती है आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन पूजा की विधि क्या अक्षय तृतीया सोना खरीदारी मुहूर्त 2024 सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है इसे तीज के नाम से भी जाना जाता है इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं इसलिए शुभ और धार्मिक कार्यों का फल अक्षय हो जाता है यानी फल खत्म नहीं होता मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में तरक्की मिलती है संबंधित खबरें मंगल राहु ने बनाया महाभयंकर अंगारक योग इन राशि के लोग रहे संभाल कर मंगलवार को मिथुन वृश्चिक राशि वालों को निवेश से लाभ आज का राशिफल में बाकी भी जाने अपना नए सप्ताह में इन राशियों को नौकरी व्यापार में उन्नति जाने फैमिली पर किसे रहना होगा सतर्क रविवार को मेष ऋषभ समेत पांच राशियों को होगा धन लाभ बाकी लोग भी जाने अपना भविष्य वैशाख अमावस्या पर करे ये काम पितर हो जाएंगे प्रसन्न कालसर दोष से मिलेगी मुक्ति इस दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है ऐसी मान्यता है कि इस दिन परशुराम नरनारायण हयग्रीव का अवतार हुआ था इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं इस दिन पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए कब है अक्षय तृतीय शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया तिथि की शुरुआत इस बार 10 मई को सुबह चार दशमलव एक सात बजे होगी और इस तिथि का समापन 11 मई को रात दो दशमलव पांच शून्य बजे होगा इसलिए अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी लेगी नौकरी अक्षय तृतीया खरीदारी का मुहूर्त और छह शुभ योग पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पूजन मुहूर्त दस मई को सुबह पाँच बजे से लेकर दोपहर बारह बजे तक है इस मुहूर्त में ही सोना या चांदी की खरीदारी करना शुभ है इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन इस बार दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है इस बार अक्षय तृतीया पर धन योग गजकेसरी योग शुक्रादित्य योग रवि योग शश योग और सुकर्मा योग का निर्माण होगा जो कि बेहद शुभ संयोग है पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन शनि शश राज योग का निर्माण करेंगे मंगल और बुद्ध की युति से मीन में धन योग का निर्माण करेंगे इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की वृषभ राशि में उपस्थिति गजकेसरी योग का निर्माण करेगी अक्षय तृतीया पूजा विधि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रख रहा है उसे सुबह उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए अब घर में विष्णु जी की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं और तुलसी पीले फूलों की माला चढ़ाएं इसके बाद धूप और घी की बाती का दीपक जलाएं और पीले आसन पर बैठकर पूजा करें विष्णु सहस नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें और विष्णु जी की आरती करें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें या भोजन कराएं इकसठ साल बाद बनेगा अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है यानी इस दिन शुभ काम के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है लेकिन इकसठ साल बाद शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण शादी का एक भी मुहूर्त नहीं है दूसरे मांगलिक कार्य भी नहीं होंगे